कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत की मनपा आयुक्त से मांग, कॉन्ट्रैक्ट कामगारों को परमानेंट करो, प्रभाग अधिकारी को सस्पेंड करो। नवी मुंबई इंटक जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कॉन्ट्रैक्ट कामगारों के वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग के साथ ही परमानेंट करने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की। इसके साथ ही 15 मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि नेरुल वार्ड के प्रभाग अधिकारी की मनमानी और धांधली का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहा। कामगार नेता ने कहा कि नेरुल के प्रभाग अधिकारी जनता के साथ बदसलूकी करते हैं और अपने अधीन कर्मचारियों के साथ भी तानाशाही व्यवहार अपनाते हैं। रविंद्र सावंत ने कहा कि ऐसे अधिकारी का तत्काल तबादला या निलंबन होना चाहिए। तो 15 मुद्दे में जो ठोक मानदंड पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको कुछ छुट्टियां नहीं, वार्षिक जो साल में जो छुट्टी होती है वो जो उनको 6-6 महीने में जो भी उनको करार पद्धति काम करते उनको छुट्टियां नहीं दिया जाता था, तो उनको छुट्टियां मैटरनिटी लीव, दूसरी बात जो भी काम कर रहे वर्कर उनको ESI और PF दिया जाए करो, वो एक मुद्दे पे हुआ। दूसरा एक ज्वलन मुद्दा था कि जो वाशी हॉस्पिटल में जो लेडीज़ वार्ड है, लेडीज़ वार्ड में जो बार बार आता है वो एक ही जेंट्स है पूरे हॉस्पिटल एक ही जेंट्स है, तो उसमें लेडीज़ वार्ड के लिए लेडीज़ बार बार रखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में आप नवी में महापालिका पूरे जैसे आर्थिक सक्षम है, तो अगर ये लेडीज़ बार्बर की सुविधा मिली तो लोगों को थोड़ा फायदा होगा। वहाँ पे जो जो महापालिका में बहुउद्देश्य कामगार जो काम कर रहे हैं उनको बैठने के लिए, खाने के लिए कुछ कैंटीन की सुविधा नहीं है, पालना करने बच्चों के लिए, वो एक सुविधा का डिमांड हमने किया है। नई मुंबई के कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सावंत के सवालों और शिकायतों के जवाब में मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने गंभीरता दिखाते हुए कामगारों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने और प्रभाग अधिकारी के खिलाफ तत्काल जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। रविंद्र सावंत ने कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर वार्ड अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे वार्ड कार्यालय पर मोर्चा निकालेंगे और काम बंद आंदोलन करेंगे। तो उनको हमने उसको ट्रांसफर करो या उसका तबादला करो या उसको सस्पेंड करो, तो आयुक्त बोले मैं आज सोच के उसका उसकी कंप्लेंट पहले भी कंप्लेंट है, परिमंडल एक के उपायुक्त जो साबुसवार है उन्होंने पहले ही नोटिस दिए, उनको वार्ड ऑफिस को ही नोटिस दिए कि आपके बारे में बहुत से कंप्लेंट आ रहे करके, तो अगर ये आयुक्त ने 2 दिन में तबादला नहीं किया उनका तो हम जब तक तबादला नहीं करते तब तक वहाँ पे धरना लेके आंदोलन करते बैठेंगे। इस मामले में TBR इंडिया ने वार्ड अधिकारी से फोन पर लगातार प्रतिक्रिया लेने की कई बार कोशिश की लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, TBR इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TBR इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।